ऐसी बोली बोलिए, ऐसी बोली बोलिए क्योंकि अल्फाजों में भी जान होती है, होती है। ऐसी बोली बोलिए क्योंकि अल्फाजों में भी जान होती है, होती है। इन्हीं से आरती, इन्हीं से दास, इन्हीं से अजान होती है, होती है। सागर के ये मोती है, सागर के ये वो मोती है, सब तो इंसानों की पहचान होती है। अरे बीबी मिली, अरे बीबी मिली गोरी, साली मिली काली, मेरा साला तिलवाना है, मेरा साला भाई हमका तो हाँ देखो मजा आएगा। ये जोन घोल पपिया रहा यही बैठे बंबई कलकत्ता फैजाबाद आगरा दुबई तक घूमिया। अरे वाह, जैसन बैठे हर 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 चले गए चले आए। जैसे हवाई जहाज उड़त रहा, हवाई जहाज उड़त रहा या कोहिरा पता नहीं हिला, ऊपर तो कोहिरा नहीं ना, नीचे कोहिरा है। क्या बात है गोविंदा भाई, ड्यूटी पर लग जाओ। हाँ सही बात है। दरबारियों, तुम लोगों ने कुछ सुना? सुना क्या? सुना क्या? सुना हाँ हुजूर, पांच पांच लठ डेली मारना है। हाँ पांच पांच लठ। हाँ हुजूर, सही का हुक्म है। इस खोपड़ी को इसी बरगद के पेड़ पर टांग दो, ये ताकि जब मैं सुबह उठूं और मेरी नजर पड़े तो गोद में पिताजी के हुक्म का पालन कर सकूं। एक बात मेरे समझ में नहीं आई कि जब पिताजी ने मुझसे पूछा मोहब्बत में कोई दुश्मन बकाया, तो मेरे मुंह से यही निकला कि मोहब्बत तो मैंने फतेह कर दिया है, लेकिन वहां जब कूच का डंका बजाया तो वहां तो चार छोटे छोटे बच्चे थे। उसी वक्त पिताजी ने कहा करिया तूने बहुत बड़ा गलत काम कर दिया, जवाहरलाल यादव को छोड़ दिया, वो कभी न कभी किसी दिन हमारे दुश्मन बन सकते हैं, लेकिन तुम जानते हो कि करिया नाम है हमारा, चलने से धरती थर्रा जाती है, समाज कांप जाता है और गर्भवती नारी के गर्भ गिर जाते हैं। छोटे छोटे बच्चे करिया का क्या बिगाड़ सकते हैं। बुजुर्गों की एक पुरानी कहावत याद आई है, वो एक कहावत बगावत, बगावत जो करेगा हमसे मचाएगा भरी जवानी में, और बारागढ़ का करिया वहां पड़ा है कि लगा देगा पानी।
खोपड़ी को बरगद के पेड़ पर टांग दिया ना। सुबह होने से पहले करिया को चेतावनी तुम लोगों को देना होगा, वरना याद रखो इसी तरह दोनों की खोपड़ी को बरगद के पेड़ पर टांग दूंगा, समझ गए ना? देखे यहाँ करिया है, यहाँ करिया है, यही के जब तहाद ना तो धरती पाताल एक हो जाती, आंधी तूफान आ जाते, कतो कतो बहियो आ जाती, और जो औरतन के गर्भ नहीं रहा बेटे में गिर जाते, यही तारा एक दिन पे अम्मा के पेट में रहन है, जब हमारे अम्मा के पेट में रहन है तो और यहाँ करिया, जब हमारे अम्मा के पेट में रहना तो यहाँ करिया, इतनी जोर चटका, इतनी जोर फबका, इतनी जोर उलरा, इतनी जोर चटका, हम अपने अम्मा के पेट में रहन निकल के खुला से। अरे वाह दोस्त, यहाँ से मिले रहो तो सही है, लेकिन चलो चला जाए भाई, चलो आज पान पुड़िया हो जाए, बीड़ी सी रे काफी आओ जात हो बीड़ी, अब आपका तनख्वाह कितनी है? 500 यानी 500 रुपया। हम तो भाई पुरान नौकर हैं, हमारी तनख्वाह ज्यादा है, आज तुमको हम कैप्टन बुलाएंगे। यही तरह चाहे 10 दिन बाद मिले ले, कब तुम्हें पापा सिगरेट पीन, हमेशा बीड़ी पिया थे, कब तुम्हें पप्पा सिगरेट पीन ही, माची लादोस सिगरेट नहीं पिए और माची दूसरे से मांगे, अगर सिगरेट पिए शौक है तो माचिस रखो, न माचिस आपके पास है न माचिस समय लगे है, आज सोची सिगरेट का मोबाइल से जला ले। अरे मोबाइल से कहाँ जली, अब कहे न जली, कैसे जली भैया, मोबाइल में इतनी सुविधा हो गई है, चाहे मैं देश विदेश की पिक्चरें देख लियो, सही है, चाहे रंगोली मंगा लियो, चाहे तापमान के विषय में पूछ लियो, ये भी सच है, चाहे कव्वाली चाहे गजल चाहे भोजपुरी मंगा लियो, ये भी सच है। तो हिमा सतुरी आगे का है ना, वही गूगल पर मंगाए, गूगल पर मंगाओ, देखो अगर आ जाए तो भाई आगे। देखो भाई बात हो ना पाई, अब हम लोग ड्यूटी बहन, एक घंटा बाद फोन करो तो बात हो जाए, लेकिन कहना क्या है, कहना गोविंदा भाई, मीठे बोल अगर न हो तो हिचकियां भी नहीं आती, नहीं आती, मीठे बोल अगर न हो तो हिचकियां भी नहीं आती, कीमती मोबाइलों पर घंटियां भी नहीं आती, घर छोटा हो या बड़ा हो इंसान क्या आएंगे, मीठापन नहीं तो दरवाजे चींटियां भी नहीं आएंगे। धर्म हमारा क्या कहते हैं वेद, धर्म हमारा क्या कहते हैं वेद, जिस थाली में खाते हैं उसी में करते छेद, ऐसे कुछ भस्मासुर हैं जिनसे हार, ये हमारा महोबा नगर है भैया, हम इस महोबा नगर में लोग मुझे सम्राट आल्हा के नाम से जानते हैं। सच एक हमारा छोटा भाई उतल है जो कि सुबह से निकला है और अभी तक महल वापस नहीं आया है, आ हम लोग उसके आने का इंतजार करते हैं।
सुबह से बगैर बताए हुए निकला था, कहाँ चला गया था? बड़े भैया आज मैं दस प्रवा माँ से मिलने के लिए गया था। बड़े भैया मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। बोलो। अगर आपकी रजा हो तो मेरी शिकायतें हैं कि मैं जगह की तरफ जाऊं और वहां शिकार कर लूं। हमें लेके आ गया और क्या जाए उधर आज। अगर तू शिकार खेलने के लिए जाना चाहता है तो आज हमारा भी दिल कह रहा है, क्योंकि महल में बैठे बैठे समय नहीं बीत रहा है। तो आज हम सोच रहे हैं कि दोनों भाई चल करके जंगल में शिकार खेले और अपना दिल बहलाए। बड़े भाई अगर आप हमारे साथ शिकार करने के चलेंगे तो हमारे लिए से बढ़कर खुशी और क्या हो सकती। बड़े भैया तो आओ चलते हैं जंगल की तरफ, हो हम दोनों भाई शिकार खेलते हैं। बड़े भैया जंगल में काफी दूर आ चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई शिकार नहीं दिखाई दिया। और आगे चलते हैं और कोई ना कोई शिकार अवश्य मिलेगा। बड़े भैया आओ और आगे चलते हैं। कोई शिकार नहीं दिखाई दिया। बड़े भैया और आगे चलते हैं और कोई ना कोई शिकार अवश्य मिलेगा। बड़े भैया और आगे चलते हैं। समय गुजर गया जंगल में घूमते घूमते और दूसरा पहर आ रहा है, लेकिन अभी तक कोई शिकार नहीं दिखाई दे। लेकिन आप कहने क्या चाहते बड़े भैया? हमें तो लग रहा है कि अब हम दोनों भाइयों को खाली हाथ वापस जाना पड़ेगा और कोई शिकार नहीं मिलेगा। बड़े भैया आप क्या कहते हैं? जंगल में आप शिकार खेलने के लिए आए और खाली हाथ मोहब्बत नगर वापस जाएंगे तो मोहब्बत के लोग क्या कहेंगे? लेकिन आप क्या कह रहे हैं भैया? उधर मेरे छोटे भाई कहिए। बड़े भैया सुनो हमारी बात को कि हम तुमसे कहना क्या चाहते हैं। आप कहना क्या चाहते हैं? तो हुआ अर फजर से दो पहरे और सुनो भ्रात के उदल मेरी बात को सुनो कि हम तुमसे कहना क्या चाहते हैं और तुमको समझाना क्या चाहते हैं। अरे भैया वापस चलो तुम छोटे भाई उदल। अरे भैया वापस चलो तुम
बड़े भैया आज जंगल में शिकार खेलने के लिए आए। अगर खाली हाथ मोहब्बत नगर वापस जाएंगे तो मोहब्बत के लोग हमें क्या कहेंगे? क्या दोनों भाई शिकार खेलने के लिए जंगल में गए और खाली हाथ मोहब्बत नगर आ गए? बड़े भैया सुने, मैं भी कुछ करना चाहता हूँ। और खाली हाथ तो भैया, और खाली हाथ तो न भैया, मैं जाऊंगा खाली हाथ, मैं जाऊंगा घर भैया, मैं मोहब्बत चाहूँ भैया, कर चुका दिल में बेवला करो तुम बड़े भैया, और जाओ कुछ ना करो तुम हमारी कहना मानो। हम लोग दूसरे दिन शिकार खेलने के लिए आएंगे, आज हम दोनों भाइयों को कोई शिकार नहीं मिलेगा। लेकिन भैया जब तक कोई शिकार नहीं मिलेगा मैं खाली हाथ मोहब्बत नगर वापस, मैं तुझे अकेला छोड़ करके नहीं जाऊंगा। अगर आप तो शोर से जाना वापस जा सकते हैं, लेकिन जब शिकार नहीं मिलेगा उदल मोहब्बत नगर वापस। उदल, मैं तेरे विषय में अच्छी तरीके से जानता हूँ कि तू कितना बड़ा जीती है। उदल कैसे पड़े, अगर तू नहीं मान रहा है और शिकार खेलना ही चाहता है तो सबसे पहले ये बताओ कि दिशाएं कितनी होती है? बड़े भैया दिशाएं चार होती है, पूरा पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। उदल कहिए बड़े, शिकार खेलने के लिए पूरब की तरफ जाना, पश्चिम की तरफ जाना, उत्तर की तरफ जाना, लेकिन भूल करके कभी दक्षिण दिशा की तरफ नहीं जाना। अगर ये बात है तो मैं शिकार करने के लिए पूरब जाऊंगा,
पश्चिम जाकर उतर जाऊंगा पर दक्षिण तरफ नहीं जाऊंगा। अरे मेरे छोटे भाई शिकार खेलो रूपन, तुम दोनों अपना अपना दिल बहलाओ और सूर्यास्त होने से पहले पहले अपने महोबे नगर वापस आ जाना। दरबारी आ हम चलते हैं अपने महोबे नगर और अपने भाई के आने का इंतजार करते हैं। रूपन जी भैया, बड़े भैया ने क्या कहा कि शिकार खेलने पूरा जाना, पश्चिम जाना, उत्तर जाना, दक्षिण में जाना, इसका मतलब क्या है? अच्छा पहले आप हमका ये बताओ भैया, पूछे दिशाएं कितनी होती है? चार, जैसे कि पूरा पूरा, पश्चिम पश्चिम, उत्तर उत्तर और दक्षिण। आपके आपके भैया जनों का है रोकिन की दक्षिण का शिकार करे न जाओ। क्यों आपके भैया ये लिए रोकिन दक्षिण का शिकार करे न जाओ, जितना शिकार है जितना शिकार है सब दक्षिण का एक भरा पड़ा है। आप क्या कहते हैं रूपन? जितना शिकार है दक्षिण का एक भरा पड़ा है। आपका भैया ये लिए रोकिन ही कि दक्षिण का एक जावन करी है और इनका शिकार मिलबन करी और खाली हाँ लौट यही है, जितना शिकार सब दक्षिण का एक भरा पड़ा है। वास्तव में सत्य कहता है रूपन, तो सत्य कहता है कि पूरा जाना, पश्चिम जाना, उत्तर जाना, पर दक्षिण तरफ नहीं जाना। इसका मतलब न तो पूरा में शिकार है और न पश्चिम शिकार है और न उत्तर में शिकार है तो दक्षिण तरफ है। लेकिन रूपन भैया आज तक मैं अपने बड़े भैया की बात को कभी टाला नहीं, लेकिन आज अपने बड़े भैया की बात को नहीं मानूंगा, अपने बड़े भैया की बात को टालूंगा। शिकार खेलेंगे रूपन, न पूरब चलेंगे न पश्चिम चलेंगे, आज उत्तर चलेंगे, आज शिकार खेलेंगे दक्षिण तरफ के साथ और चलता शिकार। अपने भैया को दक्षिण कहीं ले जाने शिकार करे और जितना शिकार है सात साला वही कहीं भरा पड़ा है, दो चार ठे शिकार बाजी कर अब लड़के सारे का लाद के चले हो गए। अरे जीवन तो भैया एक रेल है, जीवन तो भैया एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी